अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ फिरना। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और मज़े के व्लॉग इन्जॉय करें। बाहर मौसम जो है इतना कोई गर्म है, बादल तो बने हुए हैं, हब्स इतनी हुई पड़ी है, हवा का नाम नहीं है। दो दिन से ऐसे ही हो रहा है, एक दिन बारिश हुई है और अब इतनी ज़्यादा हवस हो गई है। और कल है जी माशाल्लाह ईद और आज है सऊदी अरब में ईद, और तमाम हाजियों को हज मुबारक हो जो मेरे बहन भाई हज कर चुके हैं वहाँ पे और आज ईद मना रहे हैं। अल्लाह पाक उनका हज कबूल मंजूर फरमाए, अल्लाह पाक आने वाले साल में हमें भी हज की सआदत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैंने भी ईद की तैयारी शुरू की हुई है और ईद की तैयारी में आज मैंने, क्योंकि कल ईद है अल्हम्दुलिल्लाह ईद होगी इंशाल्लाह, और मैंने मीठा बनाया है। मीठे में मैंने बना लिया खीर बनाई है और साथ में बना लिया कस्टर्ड, क्योंकि गैस का इशू है तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी से जी कस्टर्ड बना लिया है और साथ में बना लिया ही है मैंने खीर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने कस्टर्ड रखा हुआ है, ये ठंडा होने के लिए रखा हुआ है, और खीर मैंने डाल के फ्रिज में रख दी है, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखें जी, ये देखें, ये मैंने दो बाउल बना के फ्रिज में रख दिए हैं खीर के, ताकि ये ठंडी हो जाएगी सुबह में। और आइसक्रीम भी मैंने बनाई है मीठे में, ये देखें, ये तीन बाउल बने थे, इनको तीन बॉक्स बने हैं, ये मैंने बना के रख दिए हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाई है मैंने, और चले जी मैं आपको दिखाती हूँ, ये अदीना इरना थी और नूडल्स बना रही है अपने लिए खाने के लिए। और ये देखें जी, ये कवर जो कि मैं लेके आई थी कल, गोल्डन कलर का ना, ये देखें गोल्डन कलर का कवर था, बड़ा खूबसूरत मिल गया था। तो ये देखें, और ये है एश्ट्रे, एश्ट्रे मैंने आपको कल दिखाया नहीं, इसकी बड़ा खूबसूरत सा है और इसकी ना रोशनी, ये देखें ये लाइटिंग करता है और मुख्तलिफ सी लाइटिंग करता है, बड़ा प्यारा लगता है, ये देखें ये लाइटिंग कर रहा है। तो ये है एश्ट्रे, और अभी टिशू बॉक्स जो है वो मैं भूल गई, वो लेके आना, तो टिशू हैं वो मैं रखूँगी यहाँ पे। और ये रूम रेडी है, ये आप लोगों को मैंने दिखाया था, तो साथ साथ किचन भी नीट हो गया और ये वाला रूम भी, मास्टर रूम भी हमारा रेडी है, साफ़ सुथरा हो चुका है। सारी तैयारियाँ तो होती रहती हैं, सफाइयाँ तो रोज़ होती हैं और नीट एंड क्लीन घर हो जाता है हर वक्त और रहता है, लेकिन साथ साथ वो ईद की तैयारी का एक अलग से ही मज़ा होता है कि ईद की सफाइयाँ चल रही हैं, घर नीट हो रहा है, साफ़ सुथरा हो रहा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो आप लोगों के घर में भी तैयारियाँ एंड हो चुकी होंगी, जाहिर सी बात है कल ईद है तो आज अपना आप बाल कलर हो रहे होंगे, पॉलर पे टाइम हो लिया होगा, पॉलर पे जा रहे होंगे, मेहंदियाँ वगैरह लग रही होंगी, तो अभी मैं भी बाल कलर करूँगी और साथ में आपको, हो सकता है मैं आपको अपना ईद का ड्रेस भी दिखाऊँ और अपनी बेटियों का भी और अपने बेटे का भी इंशाल्लाह, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और हमारे कुर्बानी के जानवर जो आने वाले हैं वो लोग हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप लोगों ने उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना और आपको दिखाएंगे, ठीक है? साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, तो आप इंजॉय कर सकेंगे हमारे कुर्बानी के जानवर बहुत खूबसूरत से प्यारे से, क्योंकि वो थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। आगे हैं हमारे कुर्बानी के जानवर, ये दो बकरे आए हैं हमारे और इनके कलर आप देखें कितने खूबसूरत से हैं, तीन कलर के हैं ये देखें जी, और इसके ऊपर देखें अगर आप गौर करें तो ये कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर ना, और ब्राउन वाइट कलर के दोनों ही बकरों का कलर जो है ब्राउन वाइट और ब्लैक कलर, तीन कलर के हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ये कुर्बानियाँ को बुलो मंजूर फरमाए हमारी, और रहमान अपने बप्पू के घर गया हुआ है, वो अगर इधर होता तो वो बहुत खुश होता, और अभी आ जाता है उसे बड़ी खुशी होती है, और अपने बकरे लेके थोड़ा बाहर घूमता है उसे बड़ा अच्छा लगता है। वो दो तीन दिन से पीछे पड़ा हुआ था कि हमारे बकरे आ जाए, तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे नहीं ला सकते, वो खुली जगह पे ही आती हैं तो खुली जगह पे ही रहने दो, तो लेकिन फिर भी उसे ज़िद थी कि जल्दी से आएँ। और इन शहज़ादों ने आते ही अपना जी काम कर दिया, पोटियाँ छोटियाँ कर दी हैं और पूरी स्मेल फैली हुई है, तो खड़े हैं जी इनकी
खुशी में इनके पास और बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये है कि ये जल्दी से छत पे जाएं और मैं यहाँ से वॉश कर दूँ सारा। और चलें जी, आपको हमारे कुर्बानी के जानवर कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। मैंने सोचा है कि ईद के कपड़े जो हैं मैं ईद के व्लॉग में ही दिखाऊंगी। कल जब मैं हम लोग तैयार होंगे, रेडी होंगे, तो ईद के कपड़े मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगी। तो पहले दिखा दूंगी तो मज़ा नहीं आएगा, और इससे बेहतर है कि ईद के कपड़े ईद के ही व्लॉग में दिखाया जाए। तो यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है लाइफ ऑफ फिरना के नाम पे, प्लीज़ वहाँ पे भी जाके जल्दी से फॉलो कर लें। और कुर्बानी के जानवर हमारे देखिए कितने खूबसूरत और प्यारे से हैं।